अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आया हो कि क्या डॉग्स टीवी देखते हैं एंड उनका फेवरेट शो कौन सा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डॉग्स टीवी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने पपी को प्यार करने की कोशिश की मगर वो तो टीवी देखने में ही मगन था? शायद वहाँ उन्हें कोई दूसरा डॉग या फिर कोई बर्ड या फिर किसी और तरीके का एक्शन चल रहा हो एंड वो उसको देखने में ही मगन हो गए हों। आपको ये देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि आपका पपी टीवी ही देख रहा है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि डॉग्स का इस दुनिया के कलर्स को और इस दुनिया को देखने का नज़रिया हम ह्यूमन से काफ़ी अलग होता है। क्या डॉग्स टीवी देखते हैं? तो इसका सीधा जवाब होगा हाँ, डॉग्स टीवी देखते हैं। इंसानों की तरह ही डॉग्स के भी अपने फेवरेट मूवीज एंड शोज होते हैं। ये डिपेंड करता है टीवी पे चल रहे कलर्स एंड मोशन पर, बिकॉज डॉग्स कलर एंड मोशन को ह्यूमन से अलग डिटेक्ट करते हैं। डॉग्स साउंड पर भी रिएक्ट करते हैं, तो अगर आपके टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा है एंड उस पर उनके कुछ फेवरेट नॉइज़ जैसे स्क्वीकी टॉयज के नॉइज़ हो, तो वो और भी ज़्यादा टेंशन से देखते हैं। तो क्या डॉग्स के लिए टीवी देखना अच्छा होता है? जस्ट बिकॉज डॉग्स टीवी देख सकते हैं तो क्या उन्हें देखना चाहिए? तो इसका आंसर हाँ है। मोस्टली ओनर्स अपने डॉग्स के लिए टीवी ऑन कर देते हैं ताकि वो देखने में बिजी हो जाएं एंड तब तक उनके पेरेंट्स अपना काम खत्म कर लें। इनफैक्ट अगर आपका पपी टीवी देख रहा है तो उसे उसको माइल्ड सेपरेशन एंजाइटी से भी राहत मिल सकती है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका पपी टीवी देखने में मस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि आप टीवी लगाकर उन्हें भूल जाए। डॉग्स के लिए अपने ओनर्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए उनके साथ होना ज़रूरी होता है। डॉग्स सोशल एनिमल्स होते हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है एंड उन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। तो आपका पपी आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए या फिर कुछ गेम, छोटे मोटे गेम्स खेलने के लिए हमेशा रेडी रहता है। कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है वो है कि जब आप टीवी लगाए तो इंश्योर करें कि उसमें किसी भी तरीके की लाउड नॉइज़ ना हो। जो नॉइज़ हमारे लिए लाउड है वो डॉग्स के लिए हमसे ज़्यादा लाउड होता है, बिकॉज उनके ईयर्स हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप टीवी लगा रहे हैं तो उसे लो वॉल्यूम में ही रखें। डॉग्स की नज़रों में टीवी आखिर होता कैसे है? जब बात टीवी देखने की आती है तो ह्यूमंस के पास एक एडवांटेज होता है, बिकॉज ह्यूमंस कलर्स को डॉग से ज़्यादा बेटर तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि डॉग्स के पास लिमिटेड कलर रेंज होती है, हालांकि डॉग्स इंसान से ज़्यादा अच्छे से रात में देख सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि डॉग्स की आईज में मौजूद कोन्स की वजह से वो दो कलर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो है येलो एंड ब्लू। बहुत से डॉग्स टीवी में चल रही मूवी में होने वाले इमोशंस एंड साउंड्स को अच्छे से समझ सकते हैं, बट वो बदलते हुए कलर्स को इतना अच्छे से नहीं देख सकते। क्या डॉग्स को पता है कि टीवी असली नहीं होता? अभी हमें ये तो समझ लिया कि क्या डॉग्स टीवी देख सकते हैं, बट क्या डॉग्स को ये जानते हैं कि जो वो टीवी में देख रहे हैं वो बस फिक्शन है एंड रियलिटी नहीं? वैसे तो ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि डॉग्स को रियलिटी और फैंटेसी में फ़र्क समझता है या नहीं। अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो डॉग खुद ही है, बट वो तो अब ह्यूमन जैसे बोलकर बता नहीं पाएगा। क्या आपको टीवी ऑन रखना चाहिए जब भी आप घर से बाहर जाएं? वैसे तो ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। टीवी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपके पपी को एंटरटेन रखने के लिए और उन्हें बोर ना होने देने के लिए, एंड वो आपके पपी को सेपरेशन एंजाइटी से भी बचा सकता है। बहुत से डॉग फ्रेंडली म्यूजिक चैनल्स या वीडियोज़ होते हैं जो आपके पपी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बट देखें कि आपका बार बार चैनल ना बदले, क्योंकि कुछ चैनल्स में ऐसे शोज़ आ सकते हैं जो आपके पपी के लिए अच्छे नहीं होंगे। एंड जैसा हमने पहले ही बता चुके हैं, टीवी को आप रिप्लेसमेंट जैसा मत यूज़ करिए। आपके पपी को आपके साथ बॉन्ड करने के लिए क्वालिटी टाइम की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और देखना हो डॉग्स से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस और भी डॉग्स एंड मम्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।